अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मेथी आलू। और मेथी आलू किस तरह बनेंगे, इसकी रेसिपी क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक प्याज काट लिया, हल्का सा ना इसे ब्राउन सा कर लूँगी मैं, और मैं तेल भी डाल दिया इसमें, ठीक है। ये मेथी है उबाल के मैंने रखी है, हैं ठीक है। तो ये आलू है, ठीक है। तो आलू आपने कितने, तीन से चार, कितने आलू लिए? घर में थे आलू पड़े, तीन से चार तो कह सकते हैं। हाँ, एक टमाटर भी निकाल दिया फ्रिज में से। और ये मसाले? हाँ जी, ये है पौनी चम्मच मिर्च का, आधी चम्मच हल्दी की, आधा चम्मच नमक का, एक टमाटर, ठीक है। तो प्याज भी बस हम लोगों ने ब्राउन होने के लिए रखते हैं। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, मेथी आलू और ये मसाले, ये हमने आपको दिखा दिए हैं। और टमाटर भी हम लोगों ने एक अदर डालना है। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे हम लोग हल्के से प्याज ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं हम लोग करेंगे। प्याज हम लोगों ने ब्राउन होने के रख दिए हैं। तो अब मम्मा इसके बाद फिर हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ प्याज ही। ओके, तो पहले हम लोगों ने सिर्फ प्याज ही ब्राउन करने हैं। तो हम लोग इसके अंदर टमाटर भी डाल दिए, तो मम्मा ने इसको कवर कर दिया ताकि जो छींटे हैं वो ना उड़ें, क्योंकि थोड़ा सा पानी की वजह से छींटे उड़ने थे। अब मम्मा ने साथ ही जो होते हैं वो आलू डाल दी, क्योंकि आज की जो होती हमारी रेसिपी वो है मेथी आलू। तो आलू पहले हम लोगों ने पकाने हैं, पहले हम लोगों ने प्याज डाल के उसके साथ ही मम्मा टमाटर डाल दिया, फिर आलू। और अब वो तमाम सब स्पाइसेज जो होते हमने आपको दिखाए थे, जो वीडियो के शुरू में आपको बताए थे, वो हम लोगों ने शामिल कर लिए। अच्छा जी, अब हमने ना दो तीन मिनट भून लिया इसे, ठीक है। अब ये मैं मेथी डाल दी है। ओके, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आलू हम लोगों ने भून लिए, पहले आलू हम लोगों ने डाले हैं, उसको हम लोगों ने भून लिया। और अब हम लोग इसके अंदर जो सा है वो मेथी डाल के इसको पका रहे हैं, इसको भून रहे हैं। हाँ जी। तो मामा फिर इसको मतलब पानी डाल के गलने के रखें, क्योंकि आलू भी कस्टर है ना इनमें। हाँ जी, मैंने ना इतना सा पानी डाल दिया बस, ये आलू जाए। तो बहुत ही झटपट से मतलब ये रेसिपी बन गई है। तो वो उबाली भी थी ना मेथी में। हाँ जी, क्योंकि आप अगर मेथी को पहले बॉईल करके रख ले तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ जी। वरना अगर फिर आपको थोड़ा सा टाइम मजीद लगना था इसका, लेकिन बहुत झटपट सी बन गई, क्योंकि मेथी भी पक जाएगी साथ। ओके जी, तो व्यूअर्स अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रेसिपी माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा खुशबू आई है। जब ढक्कन मम्मा ने खोला इसका, ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाँ जी, बस इसे आप भून लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने पानी डाला था, देखिए अब आलू जो से तकरीबन वो भी गल गए हैं। तो अब हम लोग इसको भून रहे हैं। तो मम्मा भूनने के बाद मतलब बिल्कुल फिर हमारी जो सी रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है मेथी आलू पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को भी ना सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अभी यहाँ पे हम लोग पानी को खुश्क कर रहे हैं। वैसे मेथी कीमा भी बनता है, मेथी कीमा भी अच्छा बनता है। मैं मेथी कीमा भी, तो आज जो उनसे हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो, क्योंकि मतलब कुछ लोग जो कीमा गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए मतलब वो वेजिटेबल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब आलू के साथ बनाना। तो हम लोगों ने सोचा कि आज आप लोगों को हम आलू के साथ जो मेथी है इसकी रेसिपी बनाना सिखा दें, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। वैसे भी सीज़न है और हरी सब्ज़ियाँ तो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग इसको बनाएँ और इन्जॉय करें, हमें अपनी फीडबैक दें। ये देखिए, जैसे जैसे पानी खुश्क होता जा रहा है, ये जो घी है इसकी सतह के ऊपर आता जा रहा है, इसी तरह हम लोग सारा पानी खुश्क कर लेंगे और फिर जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह घी भी आ गया ऊपर, ये देखें हांडी बिल्कुल तैयार हो गई है।
बिल्कुल बिल्कुल भी ये कड़वी नहीं बनी, जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आ रही है, मज़ेदार सी आ रही है, मतलब क्योंकि मेथी जो सी होती है मुँह में वो कड़वी बनने का होता वो है मैंने ना उबाल ली थी ना। हाँ दैट्स अ मेन ट्रिक, यही मेन टिप है जिसके जरिए जिसकी वजह से ये जो हमारी मेथी है वो कड़वी नहीं बनी, क्योंकि इसकी खुशबू से इसके अरोमे से पता चल रहा है कि ये मज़ेदार सी है, कड़वी नहीं है। तो आप लोग अब बिना झिझक इसको बनाकर खा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट का अंसर मौजूद नहीं है। अच्छा निकालो, ठीक है इसको अब डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स अब इसको हम लोग डिश आउट कर रहे हैं, गर्मा गर्म मेथी पालक सॉरी मेथी आलू की जो सी रेसिपी है वो हमारी तैयार हो गई है, इसको अब हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए कितनी खिली खिली सी लग रही है, और मतलब जो इसकी ग्रीनरी है वो भी बरकरार है, देखने में कोई काली या कुछ अजीब सा इसका रंग नहीं हुआ कि ज़्यादा इसको ओवर कुक कर लिया हो जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो आज की रेसिपी है मेथी आलू पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को कभी ना सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो व्यूअर्स जब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआगो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।